पाचन तंत्र ये हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जो पूरे शरीर का विकास कराने में मदद करता है। पाचन तंत्र का मजबूत होना एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में जिस तरह का खान पान है उससे 99% लोगों में पाचन तंत्र खराब होने की समस्या बन रही है, और अब ये समस्या युवाओं में भी देखी जा रही है। आपके मेटाबॉलिज्म के स्ट्रोंग होने से आप जो भोजन खाते हैं उसका रस अच्छे से बनता है और आपके शरीर की सभी धातुएं पुष्ट होती हैं। जो भाई जिम या होम वर्कआउट करते हैं वे सोचते हैं कि हम जितना अधिक खाएंगे हमारी बॉडी उतनी ही जल्दी बनेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा भोजन करने से जो हमारा पाचन तंत्र है वह स्लो हो जाता है, और जो भोजन आपने खाया है वह पेट में ही हजम होने की बजाय सड़ने लगता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि ज़्यादा भोजन खाना मैटर नहीं करता, भोजन को पचाना मैटर करता है। तो अगर आप अपना वेट गेन और तगड़ी बॉडी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना पाचन तंत्र सही करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे योग आसन जो आपकी पाचन शक्ति बिल्कुल मजबूत कर देगी। जो आप खाएंगे कण कण पचेगा। योग आसन करने के लिए आपको ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ का वातावरण खुला हो और शुद्ध हवा आती हो। योग आसन करने से पहले आपको अपनी बॉडी को हल्का वार्म अप कर लेना है और 1 से 2 किलोमीटर की रनिंग भी करनी है, जिससे आपकी बॉडी में इंजरी नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं इन योग आसनों के बारे में। फर्स्ट नंबर पर है मंडूक आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है, फिर अपनी सांस को पूरा बाहर छोड़कर पेट को अंदर की तरफ खींच लें, फिर अपनी दोनों मुट्ठी बंद करके पेट के सामने ऐसे रखें जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। अब अपनी कमर को आगे की तरफ झुका लें। इस आसन का अभ्यास आपको 3 से 5 बार तक करना है। अब बात करते हैं इस आसन के लाभ की। तो इस आसन से आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी, पेट की गैस और कब्ज बनना भी ठीक होगी। सेकंड नंबर पर है चक्रासन। यह आसन करने से ना केवल पाचन शक्ति बल्कि पूरे शरीर की अनेकों समस्याएं ठीक हो जाती हैं। शुरुआत में आपको इस आसन को करने से परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास हो जाएगा। वीडियो में दिखाई गई इस विधि से चक्रासन आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। मैंने आपको 3 विधि से चक्रासन करने के बारे में बताया है। जौन सी विधि आपको आसान लगे आप उस विधि से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यह आसन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इसके साथ साथ पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। थर्ड नंबर पर है भुजंग आसन। यह आसन आपके पेट को कम करता है, लीवर और किडनी को भी मजबूत करता है, आपकी अमाशय शक्ति और जठर अग्नि को भी बढ़ाता है। इन सभी योगासनों के साथ साथ आपको कुछ नियम हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। पहला जो नियम है कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होने के बाद आपको इन योग आसनों का अभ्यास करना है शुद्ध और ताजी हवा में। दूसरा नियम है कि आपको अपने शरीर में वीर्य धारण करके रखना है, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वीर्य रक्षा से ही आपकी जठर अग्नि तेज होगी और खाया पिया शरीर में लगेगा। अगर आपको नहीं पता कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है तो कमेंट करके बताना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते, राम राम।